दोस्तों, पाकिस्तान में बहुत सारे हिंदू मंदिर हैं। ये न केवल देश के लिए बल्कि दुनिया के लिए भी एक धरोहर है। इस्लामिक देश होने के बावजूद पाकिस्तान कई लोकप्रिय हिंदू मंदिरों का दावा करता है। सियालकोट में जगन्नाथ मंदिर, बलूचिस्तान में हिंगलाज माता मंदिर, मनोरा में श्री वरुण देव मंदिर और कराची में पंचमुखी हनुमान मंदिर कुछ अच्छे उदाहरण हैं। तो चलिए जानते हैं पाकिस्तान में 10 सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों के बारे में। नंबर 10, श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर। श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर, यह कीमती मंदिर सिंध प्रांत के कराची में सोल्जर बाजार में स्थित है। ये लगभग 1500 साल पुराना है और दुनिया का एकमात्र मंदिर है जहां भगवान हनुमान की प्राकृतिक मूर्ति है। ये धार्मिक महत्व रखता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान राम अपने वनवास के दौरान यहां आए थे। तत्पश्चात पंचमुखी हनुमान जी की एक मूर्ति को उसी स्थान से खोदा गया था और बाद में यहां एक मंदिर बनाया गया था। नंबर 9, मंशरा शिव मंदिर। मंशरा शिव मंदिर खैबर पख्तूनख्वा इंडिया फेथ में स्थित है। मंशरा शिव मंदिर पाकिस्तान के सबसे पुराने हिंदू मंदिरों में से एक है और लगभग 2000 से 3000 साल पुराना है। खैबर पख्तूनख्वा में स्थित इस मंदिर में पाकिस्तान और विदेशों से श्रद्धालु आते हैं। नंबर 8, श्री स्वामी नारायण मंदिर। श्री स्वामी नारायण मंदिर पाकिस्तान के कराची शहर में स्थित नरनारायण देवगढ़ी को समर्पित मंदिर है और यह मंदिर देश का एकमात्र स्वामी नारायण मंदिर है, जिसे वर्ष 1849 में बनाया गया था। अहमदाबाद के छोटे समूह हर कुछ वर्षों में इस मंदिर का दौरा करते हैं। नंबर 7, उमरकोट शिव मंदिर। उमरकोट शिव मंदिर, जिसे अमरकोट शिव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में राणा जागीर गोट के पास उमरकोट जिले में स्थित एक हिंदू मंदिर है। यह मंदिर सिंध प्रांत का सबसे पुराना मंदिर है। नंबर 6, श्री कटास राज मंदिर। श्री कटास राज मंदिर में हर साल हजारों लोग आते हैं। श्री कटास राज मंदिर को किला कटास के रूप में भी जाना जाता है। इसका गहरा महत्व है। यहाँ भगवान शिव की प्रतिमा की पूजा की जाती है। ये कई हिंदू मंदिरों का एक परिसर है जो पैदल मार्ग से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और यह पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में स्थित है। नंबर 5, रामापीर मंदिर टांडो अल्लाहयार। रामापीर मंदिर टांडो अल्लाहयार पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों की सूची में एक और सुंदर नाम रामापीर मंदिर टांडो अल्लाहयार है। ये हर साल रामदेव पीर मेले के दौरान बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों का गवाह बनता है। नंबर 4, चुरियो जबल दुर्गा माता का मंदिर। चुरियो जबल दुर्गा माता का मंदिर पाकिस्तान के सिंध प्रांत के थारपारकर जिले के नांगरपारकर में स्थित चुरियो नामक पहाड़ी पर स्थित है। यह एक ऐतिहासिक मंदिर है और हर साल शिवरात्रि पर 200,000 तीर्थयात्री यहां आते हैं। नंबर 3, शारदा पीठ। शारदा पीठ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK में स्थित है। शारदा पीठ अब मुजफ्फराबाद के पास स्थित खंडहर में स्थित है। पुराणों में दावा किया गया है कि यहां देवी सती का दाहिना हाथ गिरा था। ये भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली नियंत्रण रेखा से केवल 10 किलोमीटर की दूरी पर है। नंबर 2, शिवहर का राय। शिवहर का राय पाकिस्तान का सबसे पुराना हिंदू मंदिर है। शिवहर का राय कराची के पास स्थित है और यहां देवी सती की पूजा महिषासुरमर्दिनी के रूप में जानी जाती है। पुराणों में दावा किया गया है कि यहां देवी सती का तीसरा नेत्र गिरा था। नंबर 1, श्री हिंगलाज माता का मंदिर। श्री हिंगलाज माता का मंदिर पाकिस्तान में सबसे अधिक देखे जाने वाले हिंदू मंदिरों में से एक है और यह पाकिस्तान के प्रमुख मंदिरों में से एक श्री हिंगलाज माता का मंदिर या नानी मंदिर है, जिसमें हिंगलाज यात्रा के अवसर पर लगभग 2.5 लाख श्रद्धालु आते हैं। यह मंदिर बलूचिस्तान के लासबिला जिले के हिंगलाज शहर में स्थित है। यह मंदिर हिंगोल राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में स्थित है और पाकिस्तान के 3 शक्तिपीठों में से एक है। तो दोस्तों, इस तरह से आज आपने जाना कि पाकिस्तान में 10 सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिर कौन से हैं। हम आशा करते हैं कि आज हमने आपको जो कुछ भी जानकारी दी है वो आपके काम आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ भी जरूर शेयर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद और चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपके लिए ऐसे ही नॉलेजबल वीडियो बनाते रहूं। मिलते हैं अगले वीडियो।